बिहार के सारण जिले का सिताब दियारा गांव। इतिहास का चमकता दर्पण सिताब दियारा में इठला रहा था। ऐतिहासिक दर्पण की इस आभा से एक कर्मयोगी को जन्म लेना था। वो तारीख भी आ गई जब 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ, जो आगे चलकर जेपी के नाम से मशहूर हुए। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे जेपी के साथ करने का अवसर मिला। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मैं ऋषि मानता हूं। वो व्यक्ति चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे। नेहरू जी उनको ला रहे थे 52 में ही, और ये चर्चा थी कि उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उनका नाम राष्ट्रपति के रूप में चला था, और 1977 में जब जनता पार्टी की इतनी ऐतिहासिक विजय हुई थी, तो अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद वो एक बार कहते कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा तो बनते, क्योंकि जनता ने उनको वोट दिया था। लेकिन सत्ता का लेश मात्र भी आकर्षण उतने विचलित कभी नहीं कर पाया। अपने व्यक्तिगत जीवन में ही वो इतने प्रामाणिक थे। अच्छा, इतने बड़े आदमी होकर के भी सत्ता से इतने दूर थे, जिसके पास हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बड़ी कुर्सियां आगे पीछे नाचती थी, उन्होंने कहा नहीं, मैं समाज के लिए काम करूंगा। ये जेपी का योगदान देश के लिए अमूल्य धरोहर है, जिसे हमें याद रखना चाहिए। दिनकर की पंक्ति है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास आदर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों की उन पर अंकित कर देता है। कहते हैं जो यह प्रकाश को नहीं मरण से जो डरता है, ज्वाला को बुझते देख कुंड में कूद स्वयं जो पड़ता है।